लिए मस्त बनारसी पान लेके आया हूँ। पान खाइए तो क्या काम करने में रस उत्पन्न होगा। नहीं जेठालाल देखो मैं काम खत्म कर लूँ उसके बाद खा लूंगा है ना। मैंने काम खाना। अरे जेठालाल तुम भी नहीं यार। कैसा है पान? जेठालाल यार। अरे जेठालाल ये पान में इतनी सुपारी क्यों डलवाई यार? पान में सुपारी तो होती है ना मेहता साहब। यहाँ पे सुपारी दांत में फंस गई है। अंजलि बाबे एक दांत नहीं देना तो। नहीं, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना मेरे दांत पे। नहीं अरे मुझे यहाँ छोड़ के। क्या हुआ हंस? पता नहीं है? पता नहीं दांत में क्यों दर्द हो रहा है। सुबह से कितनी सारी मिठाई खाई तुमने? कोमल आज होली है मैं आज भी मिठाई नहीं खाऊं? तुम्हारे लिए तो रोज होली है। कोमल पहले तुम गर्म पानी लेके आओ। उसमें थोड़ा दूध शक्कर चावल और केसर डालकर लेकर आओ। ओके बाबा सिर्फ गर्म पानी लेकर आती हूँ। जाओ जल्दी लेके आओ। अपराधी अपराधी दांत में दर्द है। आपको कैसे पता चला मेरे दांत में दर्द है? अरे मेहता साहब अपने दांत की बात कर रहा थी भाई। अच्छा अच्छा मेहता साहब के भी दांत में दर्द है। मेहता साहब आपने भी ज्यादा मिठाइयाँ खा ली क्या? आइए चेक कर लेता हूँ। आइए। अरे भाई इसमें लेटने की जरूरत नहीं है बैठ जाइए। ये बताइए मेहता साहब हुआ क्या है आपको? मेरे दांतों में सुपारी अटक गई है। सुपारी कैसे फंस गई? जेठालाल मेरे लिए एक पान लेके आए थे उसी में सुपारी थी। डॉक्टर आती। पान? कौन सा पान? कलकत्ता बनारसी मगी? बनारसी। अच्छा तो सब मेहता साहब को ही खिला दिया या एक आध मेरे लिए भी बचाया है? अभी तो नहीं है लेकिन एक काम कीजिए आती भाई आप मेहता साहब के दांत में से वो सुपारी निकालिए मैं आपके लिए बढ़िया सा पान लेके आता हूँ। ठीक है। अरे नहीं जेठा भाई वैसे भी हंस के दांत में थोड़ा दर्द है तो आप प्लीज पान रहने दीजिए। प्लीज अभी पान वान छोड़िए मेरे दांत की चिंता कीजिए। डॉक्टर आदि सुपारी निकालिए प्लीज। जेठा भाई मेरी बैग। मुंह खोलिए। और हाँ मैं तो सब मुंह खोलिए थोड़ा और खोलिए ऐसे। डॉक्टर हाथी दर्द मेरे दांत में चिल्ला आप रहे क्या हो क्या रहा है? अरे मेहता साहब आप भूल गए कि मेरे दांत में भी दर्द है और दांत का दर्द तो पानी के टपकते हुए नल की तरह होता है पता नहीं कब अचानक टपक जाए। वाह हाथी भाई आप है डॉक्टर लेकिन मस्त प्लम्बर जैसे बात कर रहे हैं। अरे मेरी सुपारी प्लम्बर साहब मेरा मतलब डॉक्टर साहब सुपारी निकालिए प्लीज। आप जरा संभाल के पकड़िएगा। तारक ठीक से मुंह खोलना। हाँ तो अपना मुंह बंद रखो ना प्लीज। डोंट वरी डॉक्टर साहब निकल तो जाएगा। मिल्क हाँ जीटा भाई इसको रख दीजिए। हो गया। तारक कैसा लग रहा है अभी? नहीं टुकड़ा तो निकल गया शायद पर दर्द अभी भी बहुत है डॉक्टर आते। मेहता साहब घर जाके गर्म पानी से गरारा कीजिए और जितना ज्यादा हो सके आराम कीजिए। यस थैंक यू डॉक्टर आते आपको परेशान किया। कोई बात नहीं डॉक्टर आते आपकी फीस। एक किलो पेड़े हंस। अरे मतलब ठीक होने के बाद तो चाहिए ना। अरे दया चाय लाना। ओहो 9 बज गए। ले इसमें 9:07 हुई है।
और इसमें 9:17 अब ये तीनों में से कौन सा सही टाइम है? मैं क्यों सही टाइम पूछ रहा हूँ? मेरा कहाँ कभी सही टाइम चल रहा होता है, मेरा तो हमेशा बुरा टाइम ही चल रहा होता है। कोई ना कोई मुसीबत सेकंड कटे से भी फास्ट चलकर मेरे पास आ जाती है। लीजिए आ गई। लो क्या चाय? क्या है? कुछ नहीं, सॉरी एक मिनट जरा। क्या देख रही है? आपका चेहरा। तो ऐसा कोई नकली नोट देख रही हो? ऐसा क्या देख रही है? एक मिनट सॉरी जरा। क्या कह रही थी? बाबा माँ ने मुझे कहा कि दया बेटा एक काम करना, दामाद जी का चेहरा एकदम ध्यान से देखना, फिर किसी भी बैल का चेहरा देखना, दोनों के चेहरे सेम टू सेम लगेंगे। अरे एकदम भोला भोलेनाथ के नंदी बैल की तरह। समझ में नहीं आ रहा है, तेरी माँ मेरी तारीफ कर रही है या बैल के साथ मेरी तुलना करके मेरा मजाक उड़ा रही है? अरे नहीं नहीं, तारीफ कर रही है बैल जी। बैल जी मतलब? माँ ने अपने दामाद का नया नाम रखा है बैल जी। अभी एक और शब्द आगे तू बोली ना तो वो कहावत आज सच हो जाएगी। कौन सी? आ बैल मुझे मार। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कितने प्यार से अपना नाम रखा और आपको कोई कीमत ही नहीं है। अरे कहाँ से कीमत करूँ, तेरी माँ मेरे ऐसे ऐसे नाम रखती है कि मेरी कीमत कौड़ी की हो जाती है। सच कहा था मैंने, कलयुग में सोने के गहनों की कीमत बढ़ती जाएगी और सच्चाई की कीमत घटती जाएगी। ये मेरी सास और मेरा साला सुंदर दोनों एक नंबर के नमूने हैं। क्या क्या कहा आपने? क्या कुछ नहीं, अपने मेरी माँ और सुंदर वीरा को एक नंबर का नमूना कहा? नहीं नहीं, नमूना मतलब नंग। मतलब नंग वो भारी वाला कीमती अमूल्य, उनकी प्रतिभा ही ऐसी है। रहने दीजिए रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। चलो आश। पता है हमारी पोर के सारे दामाद आपसे जलते हैं कि आपकी सास आपसे कितना प्यार करती है, रोज नए नए नाम रखती है और आप है कि उनकी कदर करने के बदले उनको नमूना कहते हैं। सॉरी। और मेरा सुंदर वीरा अब कितनी इज्जत करता है, अब उसको भी नमूना कहते हैं? अरे भाई बोला ना सॉरी, गलती हो गई। अरे आप पुण्यशाली हो कि आपको इतनी महान सासू और इतना महान साला मिला है। तो है बराबर। आपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा कर्म किए होंगे कि वो देखकर ईश्वर ने आप पर ये मेहरबानी की है। मैं मानता हूँ बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं, आपको ईश्वर की ये गिफ्ट पसंद ही नहीं है। नहीं नहीं पसंद है भाई, किसने बोला पसंद है? बहुत पसंद है। नमूना दुनिया का कोई दामाद अपनी सास को नमूना नहीं कहता होगा। दुनिया के सभी दामाद आज ये बात सुनेंगे ना तो उनका सर सबसे झुक जाएगा। बस भाई कितना बोलेगी, बस अभी शांति रह कभी। भूल जाओगे। अरे तो लेकिन तो आपको बहुत मैंने बोला था सारी बात, क्या कितना बोलेगी तू अभी? कोई ये बात सुन। अरे शांति रह भाई, बस हो गया। भगवान है।
सब लोग बहुओं का मान सम्मान बनाए रखते थे, तूने ऐसी घिनौनी हरकत की। घिनौनी? बहू के मुंह पे पट्टी लगाई, बहू पे अत्याचार करता है, अत्याचारी। बापूजी, पट्टी निकाल। बापूजी, बहू के मुंह पे से पट्टी निकाल, जुल्मी पति। जुल्मी पति? पट्टी निकाल। बापूजी वो नहीं। बहू, तू जेठिया की तरफदारी मत करना। और जेठिया, तुझे इस घिनौनी हरकत की बराबर सजा मिलेगी। बापूजी, आज पूरा दिन तू अपने मुंह पे पट्टी लगाकर घूमेगा। बापूजी, पट्टी लगा। बापूजी, पट्टी लगा। बहू बिचारी गरीब गाय जैसे कुछ बोलती नहीं है, तो तू क्या अपनी मनमानी करेगा? बहू के मुंह पे पट्टी लगाएगा? बेल कहीं का, ये संस्कार दिए हैं मैंने तुझे। बापूजी, टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए, दरअसल मैंने ही उनको पट्टी लगाने के लिए कहा था। क्या? वो बापूजी, आज मुझे मौन व्रत रखना था, पर पता नहीं मैं मौन रह ही नहीं पा रही थी, कुछ ना कुछ बोली पड़ती थी। तो टप्पू के पापा ने कहा कि दया मुंह पर पट्टी लगा ले, तो मैंने कहा वाह मस्त आइडिया है, आपने आइडिया दिया है तो आप ही लगा दो ना। तो ये लो फोन, ऐसा भी कोई आइडिया देता है? मुंह पे पट्टी लगाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है पता है तुझे? क्या? इसके मुंह पे से पट्टी हटा। अरे अब बोल, क्या बोल रहा था वो? मैंने तो मजाक में ही आइडिया दिया था बापूजी। तुझे तो मजाक करना भी नहीं आता, अक्कल वगर जो डांडो। चुप रे। सॉरी। नहीं नहीं दया, मैं सॉरी। सॉरी। अरे बक भाई, आइए आइए बैठिए। नहीं बहन, आज बैठूंगा नहीं, थोड़ा टेंशन है। तू और सुन, ये टेंशन मतलब क्या? सोसाइटी के काम की कुछ बात है? अरे वाह जीजाजी, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको कैसा पता चल गया मैं सोसाइटी के काम के लिए आया हूँ? सोसाइटी की जो भी बात है वो आपको सेक्रेटरी से करनी पड़ेगी। आत्माराम तुकाराम भिड़े इस सोसाइटी का सेक्रेटरी है, उसको जाके मिलो। आप टप्पू के पापा बात सुन तो लीजिए। टप्पू की मम्मी, कृपया करके आप बीच में ना बोले। आपने तूने भिड़े का घर देखा है? हाँ। तो जाओ उधर पार्सल हो जाओ। मतलब जो भी टेंशन देना है वो भिड़े को दो।
हाँ बॉस, बस एक मिनट। सेंट। हाँ बॉस, तीनों आर्टिकल मेल कर दिए। हाँ सर, पूरी रात जाग के लिखना पड़ा। ओके ओके बॉस, ओके। तारक लीजिए। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड? तारक, एटीएम का नया जूस, मिक्स मैजिक जूस, जिसमें करेला, कड़वे नीम के पत्ते, बीटरूट और अदरक है। मैं दादा, आओ आओ, ये आओ। गुड मॉर्निंग मैं दादा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि भाई। गुड मॉर्निंग आयर भाई। मैं दादा, आप फ्री हैं? वैसे तो फ्री हूँ, लेकिन बस ऑफिस निकलना ही है। बोलो क्या हो गया? नहीं क्या है मैं दादा, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। अभी तो तुम ये जूस पियो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं दादा, आप मेरा परेशानी और बढ़ा रहे हैं। सॉरी सॉरी अंजलि भाभी। नहीं नहीं, इट्स ओके अय्यर भाई, आप पी लीजिए, इनके लिए मैं दूसरा ताजा बना कर लाऊंगी। नहीं नहीं देखिए, मेरे को जूस नहीं पीना है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मेरा परेशानी का सोल्यूशन चाहिए। ये तुम क्या परेशान हो यार, आप मेरे को बताइए कि सोसाइटी में कितना काम हुआ है, ये जानने का हक मेरे को है या नहीं है? नहीं, क्यों हक नहीं है भाई, तुम सोसाइटी की वर्किंग कमेटी के ट्रेजरर हो, तुम्हें पूरा राइट है कि तुम सारी चीजें जानो। लेकिन मैं दादा, ये मेरा राइट ही रॉन्ग हो गया। मतलब? दादा, जब भी मैं बका को पूछता हूँ कि सोसाइटी के वायरिंग का काम का क्या हुआ, तो बोला सेलिंग के प्लास्टर का काम बाकी है, और बाहर के कलर का पूछता हूँ तो बोला एक आध बाकी है, ग्रिल के काम का पूछता हूँ तो बोल रहा थोड़ा बाकी है, प्लम्बिंग के काम का पूछता हूँ तो बोल रहा वो भी थोड़ा बाकी है, टेरेस के काम का पूछता हूँ तो बोलता है वो भी थोड़ा बाकी है। अब सब काम थोड़ा थोड़ा बाकी है तो काम पूरा कौन सा हुआ है? अब मैं किन किन को जवाब दूंगा, सब लोग मेरे को सवाल पूछेंगे। नहीं नहीं यार देखो, तुम अकेले तो हो नहीं ना जिससे सोसाइटी वाले सवाल करेंगे। भाई कमेटी के अंदर पोपटलाल भी है, सेक्रेटरी भिड़क खुद है, तो सारे लोग हैं जवाब देने के लिए, और वैसे भी सोसाइटी का काम ज्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं, थोड़े दिन रह गए खत्म होने। हाँ अय्यर भाई, और रही बात सुंदर भाई की, तो वो तो घर के हैं, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू मेहता साहब। ऑलराइट, आपका कहना एकदम करेक्ट है, आपने मेरे को रिलैक्स कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेहता साहब, मैं चलता हूँ। ओके, बाय 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 बाय। ओहो, पापड़ का स्टॉक कितना बढ़ रहा है। ओहो, पापड़ का स्टॉक इतना बढ़ रहा है, ये सोसाइटी के काम की वजह से मेरे अचार पापड़ के कस्टमर आना बंद हो गए हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो अचार पापड़ का धंधा भूल जाओ, आपको इस्त्री की दुकान खोलनी पड़ेगी। क्या बोलते हो माधवी? वो क्या है, कब से कह रही हूँ सोसाइटी का काम खत्म करवाओ, लेकिन सुन ही नहीं रहे आप। कब खत्म होगा ये सोसाइटी का काम? माधवी सच बोलो, अपने सोसाइटी का काम कब खत्म होगा ये दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता। का? अरे का क्या है वो सुंदर, उसका फोन नहीं लग रहा है। अरे हाँ, बका, उसका असिस्टेंट, उसका चेला, उसको फोन करके पूछता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग बेटा भाई। अरे ये लो, वाह 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 वाह, 100 वर्ष आयुष्य है तुम्हारा है? मतलब 100 साल जियोगे क्या बेटे भाई? मेरी उम्र क्यों कम कर रहे हो, मेरे खानदान में तो 110 साल जीते सभी। चुकलो चापलो नहीं। आप बैठिए ना, क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? 5 लाख रुपया। काय काय? 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए? ये भाई, तुम 5 लाख रुपए ऐसे मांग रहे हो जैसे 5 किलो पापड़ मांग रहे हो। तेज ना। और क्यों चाहिए 5 लाख रुपए? क्यों मतलब क्या? ये सोसाइटी के काम के लिए, काम खत्म नहीं करना है। नहीं, काम खत्म करना है ना, लेकिन सोसाइटी सुंदर को 25 लाख में से 20 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुकी है, तो सुंदर के पास से पैसे मांगना है। अरे सुंदर भाई का कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे अभी 5 लाख रुपया दे दो, जो भी हिसाब है वो सुंदर भाई से आप कर लेना। नहीं भाई, हिसाब हिसाब मुझे नहीं मालूम, अभी काम खत्म होने के बाद ही बाकी के 5 लाख रुपए मिलेंगे, तब तक मुझसे 1 रुपया नहीं मांगना। तो फिर काम बंद हो जाएगा। तुम क्या धमकी दे रहे हो मुझे? ठीक है बंद करो, मैं किसी और से काम करवा लूंगा, जाओ। अरे करा के तो दिखाओ। देखो भिड़े भाई, आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो इसलिए मैं काम बंद करके जा रहा हूँ। सोसाइटी में काम बंद हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं आप होंगे।
कुश्ती के अखाड़े में कोई मरियल सा पहलवान अपने से भारी भरकम पहलवान को अपने किसी दाव से चित्त कर दे तो भाई आश्चर्य की बात तो है। 42 किलो के बका ने 62 किलो के भिड़े को 1400 वोल्ट का झटका दे दिया है भाई। ऐसा झटका जिसे सुन के गोकुलधाम के निवासियों को भी वैसा ही शॉक महसूस होने वाला है जैसे किसी दूल्हे को बारात में जाते वक्त ये पता चले कि उसकी नई शेरवानी चूहों ने कुतर दी है। झटका तो लगेगा, और जेठालाल को भी वैसा ही झटका लगेगा जैसे किसी मंत्री को ये पता चले कि उसका मंत्री पद इसलिए छीना जा रहा है कि उसके रिश्तेदार ने कोई गड़बड़ कर दी है। अब जेठालाल को भी झटका, गोकुलधाम के निवासियों को झटका जब ये पता चलेगा कि सोसाइटी के रेनोवेशन का काम रोक दिया गया है। भाई इस गोकुलधाम में छोटी मोटी गड़बड़ें होती रहती है। वैसे छोटी तो होती कहां है साहब, मोटी गड़बड़ें होती है। मेरा ख्याल से सोसाइटी को रेनोवेट करने के पहले यहां पे रिपेयर का काम करने से पहले इनकी किस्मत रिपेयर की जानी चाहिए। अब यहां पे क्या होता है जब ये पता चलेगा कि बाका ने काम रोक दिया है, सुंदर गायब है, यानी कि बहुत सारे हंगामे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।